चीज तो यूनियन के मुद्दों को लेकर, क्योंकि पिछले बार भी आप सांसद रहे, अब अगली प्राथमिकता क्या जनता के बीच में आप लेकर जा रहे हैं? देखिए, मुद्दा केवल मोदी जी का विकास 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 ही है। बेगूसराय में मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो विकास किया है वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की ये कर्म भूमि रही। गंगा पे पुल, थर्मल, फर्टिलाइजर, रिफाइनरी, सारी चीज उन्होंने किया। लेकिन अब सब फर्टिलाइजर को कम्युनिस्टों ने बंद करा दिया, रिफाइनरी को तबाह कर दिया, थर्मल को तबाह कर दिया। नरेंद्र मोदी ने पुल बैठने लगा, एक 6 लेन पुल दिया रोड का जो बन रहा है, रेल पुल दिया, एनटीपीसी का दो यूनिट दिया, फर्टिलाइजर बंद पड़े, फर्टिलाइजर को लोग कहता ही नहीं था कि अब फिर से स्टार्ट होगा। मोदी जी ने इसको भी 10,000 करोड़ लगा के किया, रिफाइनरी को लगभग 25,000 करोड़ लगा के, यहाँ डंपिंग यार्ड बन रहा था, लेकिन यहाँ की जनता यानी हम लोगों के प्रेशर पर हल्दिया से आता है क्रूड ऑयल पाइपलाइन से, बिहार सरकार को भी उस पर एंट्री टैक्स के रूप में 10,000 करोड़ लगभग मिलता है। तो मुंगेर पुल अधूरा पड़ा था वाजपेयी जी के समय से, उसको पूरा किया, 4 लेन दिया, एलिवेटेड रोड दिया, ESI अस्पताल दिया, ऑक्सीजन दिया, बच्चों का अस्पताल दिया, बहुत काम किया मोदी जी ने। और कम से कम NDA सरकार का 200 सड़कों को हमने बनाने का काम किया। जब आप अपने प्रचार में ये बात कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया, विपक्षी एक चीज कहते हैं कि एक ही चेहरे पर पूरा चुनाव है, क्या मुद्दों का चुनाव गायब है क्या? हम तो मुद्दों की ही बात करते हैं, हम तो विकास की बात कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि आप रोजगार की बात नहीं करते हैं। अरे अब ये 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 रोजगार नहीं है तो क्या है? आज हजारों साइकिल और मोटरसाइकिल फर्टिलाइजर के गेट पर लगा होता है, हजारों मोटरसाइकिल और रिफाइनरी गेट पे होता है, थर्मल में हो, NTPC में होता है। रोजगार की परिभाषा क्या है? राहुल गांधी का आरोप है कि सेंट्रल मिनिस्ट्री बहुत खाली है युवाओं के लिए, सरकारी राहुल गांधी की बात पर हम जवाब नहीं देता। राहुल गांधी क्या बोलते हैं उनको खुद पता नहीं। नहीं, मेरे खिलाफ में जो भी बोले, लेकिन लोगों को विकास दिख रहा है। अब कोई जिसको ना दिखाई दे तो उसको मैं क्या करूंगा? अगर कोई एलिवेटेड रोड बनते हुए ना दिखे तो मैं क्या करूं? 4 लेन बन गया ना दिखे तो मैं क्या करूं? फर्टिलाइजर चल रहा है ना दिखे तो मैं क्या करूं? इसलिए मैं उससे लोगों की परवाह नहीं करता। कुछ शब्द और लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रचार से लेकर कई लोग बोल रहे हैं कि चुनाव क्या कमजोर हुआ था, इसलिए मंगलसूत्र से लेकर तमाम चीजें जो पहले चरण में नहीं। अरे भाई, बातें बातों पे आती है। अगर कर्नाटक की सरकार मुसलमानों को बैकडोर से OBC बना दे तो क्या हम चुप रहेंगे? क्या हिंदू पिछड़ों का आरक्षण ले ले, लालू जी चुप रहे हैं लेकिन हम BJP तो चुप नहीं रहेगा। अगर वो संपत्ति लेने की बात करें कि हम कानून लाएंगे तब तो मंगलसूत्र भी ले लेंगे संपत्ति में, तो ये कहना गुनाह है क्या? तो बातों को छेड़ते हैं वो, जब भारी पड़ता है तो कहते हैं BJP। ये राहुल जी से पूछ लीजिएगा। आपने कहा कि बातों को छेड़ते तो बातें आती है, आपको क्या लग रहा है 3 चरणों के बाद चुनाव कहां जाता दिखाई दे रहा है? तेजस्वी यादव वापस बोल रहे हैं कि हम सिर्फ एक ही विषय बोलेंगे, रोजगार बोलेंगे, भाजपा बाकी सब बोलेगी। मैं तेजस्वी से पूछता हूं, पिताजी ने तो बड़ा रोजगार दिया था, जंगल राज बनाया था, अपराध की प्रकाष्ठा पर था,
लोग वसूली करते थे, वो राज था। पुत्र जी 17 महीना रहे, मंत्री 5 विभाग रहा, कितने रोजगार दिए वो गिनती करके बताएं। केवल कहने से होगा? मुंह सुंदर है, उम्र कम है और अच्छी बातें बोलने से होगा कि 17 महीने का 2 बार डिप्टी सीएम रहे? क्या रिजल्ट रहा? किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं? पांच, मैं तो कह रहा हूं कि चुनौती के साथ 17 महीने में उन्होंने अपने विभाग में माल महाराज का मिर्जा खेले होली, नीतीश कुमार रोजगार दे और उसको वो स्कूल वाला टीचर वाला, ये एनडीए के समय से है, उनको क्या लेना देना इससे? अगर लेना है तो उसको भी लेना चाहिए। आप बताएं ना कि आप 5 विभाग के, हमसे पूछे कोई कि आपने गिरिराज जी अपने विभाग में क्या किया, हम बताएंगे ना कि हम 10 करोड़ घरों तक सेल्फ हेल्प ग्रुप को ले गए। उनको बताना पड़ेगा कि 5 विभाग में आपने कितनी नौकरियां दी। ये गोयवेल्स की थ्योरी लेके 100 झूठ को बोल करके अपने को ऊंचा करना चाहते। बिल्कुल सही कहा, मैं मुसलमान का नाम नहीं लेता, मैं विकास की ही बात करता, गरीबों की बात करता, लेकिन मैं डंके की चोट पे कहता कि मुझे देशद्रोहियों का वोट नहीं चाहिए, मुझे पाकिस्तान प्रस्त लोगों का वोट नहीं चाहिए। ये मैं कहता हूं, कहते रहूंगा, क्योंकि मैं वोट बैंक की राजनीति नहीं करता। आज जनसंख्या हिंदुओं का गिर गया है, मुसलमानों का बढ़ गया है, रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट में तो 8% है लेकिन मेरे ख्याल से 8% था 47 में, आज आंकड़े में 14-15 है, सरकारी आंकड़े में मेरे हिसाब से 20% है। हिंदुओं का गिर करके जो 88-85 था वो घट करके 70 पे आ गया। तो ये गजबाए हिंद का एक चल रहा है और गजबाए हिंद का चलेगा, और वो गजबाए हिंद चलाएंगे, हम गजबाए हिंद को रोकेंगे। बिल्कुल, जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा, कानून लाएंगे, कॉमन सिविल कोड आएगा, कॉमन सिविल कोड के बाद ये कानून बनेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।